अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का दूसरा टॉपिक है हमारा मसावी कालब। मसावी कालब में एक चीज़ याद रख लें, कम अज़ कम दो कालब होंगे। मसावी कालब में कम अज़ कम दो कालब होंगे और दो कालब की दो कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन क्या है, आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके अरकान आपस में मुतनाज़रा हों। मुतनाज़रा किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ए इज़ इक्वल टू 1 3 माइनस 4 2 है तो सेम टू सेम बी भी अगर उसको कैलकुलेट करें बी को, तो जैसे ए का पहला रुकन 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ ए का 3 है तो बी का भी 3 बनता है, कैसे 2 + 1 3 बनता है। ए का -4 है तो यहाँ भी -4 है और इसका सेकेंड रो में अगर लास्ट में इसका 2 है तो इसका भी 4 - 2 करें तो 2 बनता है। दो कंडीशनें हो गई मसावी कालब की, कौन कौन सी, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी होना चाहिए और मुतनाज़रा रुकन होना चाहिए। मुतनाज़रा अरकान किसको कहते हैं, वही होने चाहिए जैसे ए की इस रो में 1 3 है, इस रो बी के काले में भी 1 3 होना चाहिए। अगर दूसरी रो में ए के -4 2 है तो इधर भी -4 2 होना चाहिए, जैसे यहाँ उस कैलकुलेट करके वही सेम टू सेम कालब आ जाएगा। अब इधर क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मालूम कीजिए कि मंदर जजैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी कालब है। मसावी कालब की क्या कंडीशन है, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी होना चाहिए या आर्डर ऑफ ए टू सी होना चाहिए, कोई भी उनके आर्डर भी बराबर हों और उनके रुकन भी सेम हों, मुतनाज़रा हों, एक जैसे हों या सेम हों। तो इधर मैंने कुछ हल किए हैं आप लोग की आसानी के लिए, ये देखें इधर। अब ए का जो आर्डर है वो 1 by 1 है, 1 by 1 आर्डर, और अगर सी को कैलकुलेट करें, सी इज इक्वल टू है 5 - 2, तो अगर इसको हल करें सॉल्व करें तो 3 बनता है, तो इसका आर्डर भी 1 by 1 है और हैं भी मुतनाज़रा रुकन। ए इज इक्वल टू सी हो गया, ये आपस में मसावी कालब हो गए। दूसरा सवाल भी हल किया है इधर कि बी इक्वल है, इक्वल मैट्रिसेस है आई का, कैसे, बी के अरकान क्या हैं, 3 है और 5 है और आई के रुकन क्या हैं, 3 है 3 + 2 है, अगर 3 + 2 को हल करें तो वहाँ 5 बनता है, 3 5, बी के भी अरकान 3 5 हो गए और आई के भी 3 5 हो गए, तो बी इज इक्वल टू आई हुआ, इक्वल टू हुआ। और लास्ट में देखें, मैंने आप लोग के आसानी के लिए एक लास्ट वाला सवाल भी किया है, दो कंडीशनें याद रखें मसावी कालब में, एक तो उसका आर्डर होना चाहिए, आर्डर बराबर होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि उसके मुतनाज़रा रुकन सेम मसावी रुकन होना चाहिए, एक जैसे रुकन अरकान आने चाहिए। जैसे एच इज़ इक्वल टू 4 0 6 2 हो गया और जे इज़ इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करें या इसको सॉल्व करें तो देखें 2 + 2 क्या बनता है, 4 बनता है, 2 - 2 क्या बनता है, 0 बनता है, 2 + 4 क्या बनता है, 6 बनता है और 2 + 0 2 बनता है। अब एज के क्या थे, 4 0 6 2, अब इधर जे के क्या बने, 4 0 6 2। एक और भी थी कालब था इधर, वो भी सेम टू सेम आ रहा था, क्या, ई था, ई इज इक्वल टू 4 0 6 2। अब इन सारों की कंडीशनें अरकान सेम आ गए, एच के, जे के और ई के, ये तीनों आपस में मसावी हैं। हमेशा याद रखें, मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ, मैथ को जितना मुख्तसर और जामे पढ़ेंगे वही आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।